अगर आप नेचुरली ही बिना कुछ खर्चा किए हुए घर के सामान से ही अपने हेयर्स को इतना शाइनी स्मूथ इतना लॉन्ग और यू नो एकदम घने घने और बिल्कुल टेंगल फ्री और प्रॉपर मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करना चाहते हो अपने हेयर्स को तो वीडियो आपके लिए है वीडियो को लास्ट तक देखना आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी आप घर के सामान से ही कैसे नेचुरली आप एक हेयर मास्क बना सकते हो हेलो एवरीवन मैं हूं निधि एंड यू आर वाचिंग माय चैनल नीहू फूड टेक आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इफ़ यू आर कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन टू माय यूट्यूब चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना तो लेट्स ग स्टार्ट एट सो हेयर मार्क्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक लिया है अबाउल ठीक है ये यहाँ पे मैंने टू रुपीज़ का कॉफ़ी का पाउच ले रखा है देन यहाँ पे मैं यूज़ करूंगी के टी प्रोफेशनल का अपना कंडीशनर आप जो भी कंडीशनर यूज़ करते हो आप वो यूज़ कर सकते हो तो अभी कॉफ़ी को मैंने एक बाउल में निकाल दिया है और अराउंड टू टेबल स्पून आप जो भी कंडीशनर कंडिश्नर यूज़ करते हो वो टू टेबल स्पून आप इस कॉफ़ी में मिक्स कर देना तो यहाँ पे मैंने टू टेबल स्पून लिया है और मैंने मिक्स कर दिया है अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एलोवेरा जेल ठीक है मैं यहाँ पे नेचुरल एलोवेरा यू, जेल यूज़ कर रही हूँ अगर आपके पास नेचुरल नहीं है तो आप जो मार्केट में मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हो बट अगर घर का है आपके पास तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है तो आप वो ज़रूर यूज़ करिएगा तो ये मैंने इसे नाइफ़ की हेल्प से काट दिया था और ये देखिए मैं स्पून की हेल्प से इस इसका जेल सारा निकाल के इस पर मिक्स कर रही हूँ तो इसी तरीके से आप भी निकाल लीजिएगा और इसमें मिक्स कर दीजिएगा कॉफ़ी मैंने यहाँ पे अराउंड वन टेबल स्पून यूज़ की है आप अपने हेयर के लेंथ के अकॉर्डिंग कॉफ़ी को इंक्रीज भी कर सकते हैं टू टेबल स्पून भी यूज़ कर सकते हैं तो अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कैस्टर ऑयल गुड वाइफ्स का कैस्टर ऑयल ठीक है आप आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो वो भी हेयर के लिए बहुत अच्छा रहता है तो पर यहाँ पर मैं कैस्ट्रो ऑयल यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स कैस्ट्रोल के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं तो यहाँ पे अराउंड वन टेबल स्पून मैंने यूज़ किया है ठीक है थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पे डाला है ठीक है कैस्ट्रोल के मैं बहुत सारे फ़ायदे आपको ऑलरेडी बचा चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में भी हम घर का एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हैं इसीलिए हमारा जो हेयर मास्क है इसमें स्मूथ नहीं बनेगा पर स्मूथ बनाने के लिए आप हेयर मास्क जो हमारा एलोवेरा जेल है उसको मिक्सी में एक बार ग्राइंड कर लीजिए देन आप मिक्स करिए इसमें बहुत स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा तो अभी देख लेते हैं इसे अप्लाई कैसे करते हैं सो so फ्रेंड्स रात में मैंने ऑयलिंग करी थी तो अब मैं अपने हेयर्स को पहले वॉश करूंगी देन उसके बाद मैं हेयर मास्क अप्लाई करूंगी सो so फ्रेंड्स मैंने हेयर वॉश कर लिया है और अब मैं अच्छे से इस हेयर मास्क को अपने हेयर्स पे अप्लाई करूंगी तो देखिए आप जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आपको अप्लाई करना है सबसे पहले अपनी स्कैल्प में अच्छी तरीके से इस हेयर मास्क को लगा लीजिए फ्रेंड्स कॉफ़ी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारे हेयर्स के लिए कॉफ़ी हमारे हेयर ग्रोथ को इंकरेज करता है और हेयर फॉल कम करने में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प को हेल्प करता है और हमारे हेयर के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है और ब्लड की सर्कुलेशन को भी तेज़ करता है हमारी स्कैल्प में जिसकी वजह से हमारा जो हेयर ग्रोथ है वो इंक्रीज़ होता है और ये हमारी स्कैल्प को भी डिटॉक्सिफाई करता है जो हमारा जो हेल्प करता है हमारे यू नो स्किन की पीएच लेवल को मेंटेन करने में ये हेयर ग्रोथ भी प्रमोट करता है क्योंकि इसके अंदर कैफीन uh, पाई जाती है जो कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है और हेयर फॉल स्टॉप करने के लिए बहुत अच्छा रहता है फ्रेंड्स और ये हमारी कॉफ़ी जो है हमारे हेयर्स को सॉफ्ट बनाता है और शाइनी बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अगर आपके हेयर्स डल हैं ड्राई हैं तो आप उन्हें रिंस करिए कॉफी से कॉफ़ी के हेयर मास्क से और तो फिर वो आपकी जो डलनेस होता है हेयर्स में वो इसको इम्प्रूव करता है बिकॉज कॉफ़ी में एंटी होते हैं जो हमारी हेयर को रीग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये फ्रीजीनेस को भी ख़त्म करता है और नेचुरली हमारे हेयर्स को यू नो ब्लैक बनाता है स्कैल्प में अच्छे से लगाने के बाद आप अपने से स्टैंड्स में भी लगाइए और अपने यू नो हेयर टिप पर भी अच्छे से अप्लाई कर लीजिए इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने अप्लाई किया है आप छोटे छोटे पोर्शन बना सकते हैं देन उससे बहुत अच्छी तरीके से इसी तरीके से बिल्कुल आ, अपने सॉफ्ट हाथों से इस तरीके से आप इसे अच्छी तरीके से अपने स्टैंड्स में और अपने यू नो टिप पे अपने हेयर्स के अप्लाई कर लीजिए बहुत अच्छी तरीके से पूरे हेयर्स पे आप ऐसे ही बिल्कुल अप्लाई कर लीजिए जैसे मैंने अप्लाई किया है तो फ्रेंड्स मैंने इसे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया है और अब हमारा सेकंड स्टेप है मसाज करना मसाज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपको थोड़ा सा ये लेना है हेयर मास्क और अपनी फिंगर टिप की हेल्प से बहुत अच्छी तरीके से अपनी स्कैल्प में इसे इसी तरीके से मसाज करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स मसाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी हेयर्स की यू नो थिकनेस को इंक्रीज़ करने के लिए हमारे हेयर ग्रोथ के लिए और हमारे हेयर्स को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और ये हमारे ब्लड की सर्कुलेशन को भी तेज़ करता है हमारी स्कैल्प में इसी जो मसाज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो मसाज आपको पाँच से सात मिनट तक करते रहना है इसी तरीके से ठीक है तो ये देखिए मैंने पाँच से सात मिनट तक मसाज कर लिया है और ये देखिए मेरे हेयर्स कुछ इस तरीके से हैं जब आपके बाल हल्के से गीले हों देन ही आप इसको हेयर मास्क को अप्लाई करिए ठीक है आफ्टर हेयर वॉश तो आपको बहुत स्मूथली हेयर हेयर्स में अपने अप्लाई करना है ठीक है तो अब थर्ड स्टेप है अपने हेयर्स को डिटेंगल करना विद द हेल्प ऑफ कॉम मैं ये वाला कॉम कर, यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स क्योंकि मेरे हेयर्स केमिकली ट्रीटेड हैं आप कोई सा भी कॉम यूज़ कर सकते हो अपने हेयर्स को डिटेंगल करने के लिए इससे क्या फ़ायदा होता है फ्रेंड्स जो आपका हेयर मास्क है वो अपने आपके पूरे हेयर्स में बहुत अच्छी तरीके से फैल जाता है और लग जाता है ठीक है तो इसीलिए आप कॉम का यूज़ करिए इसी तरीके से थोड़े थोड़े बालों को लीजिए और अच्छे तरीके से उसे कॉम कर लीजिए ठीक फ्रेंड्स एलोवेरा भी हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है हमारे स्कैल्प में इचीनेस जो हो जाती है उसको ठीक करता है डेंडफ को प्रिवेंट करता है और हमारे हेयर स्टैंड्स को स्ट्रेथन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्योंकि ये रिच होता है विटामिन ए सी एंड ई e में और एलोवेरा हमारे हेयर की ग्रोथ को भी मेंटेन करता है और यू you नो know, शाइन शाइन प्रोवाइड करता है हमारे हेयर्स को और हेयर ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये और ये फ्रिजीनेस को यू नो हटाता है हमारे हेयर्स से और हमारे हेयर्स को शाइनी बनाता है स्मूथ बनाता है और एक नेचुरल कंडीशनरिंग प्रोवाइड करता है हमारे हेयर्स को इसमें यू नो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो स्कैल्प में जितनी भी इन्फेक्शन हो जाती है उसे दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया है और हेयर्स कुछ इस तरीके से हैं ये देख सकते हैं आप हेयर्स को तो ये हेयर मार्क्स बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है फ्रेंड्स आप अभी देखिएगा जब मैं हेयर वॉश करूँगी तो ठीक है तो आपको इसे लगा के 20 टू 30 मिनट्स एज इट इज एज इट इज़ रख देना है देन 20 टू 30 मिनट्स के बाद वॉश कर लेना है तो अभी इसे वॉश कर लेती हूँ तो ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है ठीक है वॉश करने के बाद ये देखिए मेरे बाल अभी थोड़े से ही सूखे हैं पूरे नहीं सूखे हैं तो आप देख सकते हो कितने स्मूथ शाइनी एकदम टैंगल फ्री हो रहे हैं ये देख सकते हैं आप कितना शाइन आ रहा है मेरे हेयर्स में फ्रेंड्स ये जो हेयर मास्क है बहुत अच्छा है हमारे हेयर्स के लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि मैंने इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं तो ये हमारे हेयर्स को यू नो हार्म भी नहीं करेगा ये हमारे हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें मैंने एलोवेरा यूज़ किया है कैस्ट्रॉल यूज़ किया है जो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहता है और हमारे हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है और हमारे स्कैल्प में जितनी भी इन्फेक्शन्स हो जाते हैं डेंड्रफ होता है तो उसको भी दूर करता है तो ये बहुत ही एक अच्छा नेचुरल हेयर मास्क है तो आप लोग भी इसे यूज़ करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आपको ये हेयर मास्क कैसा लगा तो अभी देख लेते हैं इसके रिजल्ट्स सो देख सकते हैं आप मेरे हेयर्स कितने शाइनी स्ट्रांग और यू नो बिल्कुल टेंगल फ्री स्मूथ एकदम प्रॉपर मॉइस्चराइज लग रहे हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना सो so दैट मेरी कमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे तो जल्दी अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर